टेक्निकल जेके चैनल में फिर एक बार नई वीडियो के साथ आपको वेलकम कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप जैस कैश और इजी पैसा का जो सीपीएस सिस्टम का जो एरर है कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं और ये क्यों आता है और कैसे इसको रोका जा सकता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये एक एरर है जो मुझे जैस कैश की जानिब से मसूल हुआ था और ये जो एरर है किन लोगों के पास आएगा और क्यों आता है ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एरर है ये देख सकते हैं, योर ट्रांजैक्शन है फील्ड रीज़न सीपीएस सिस्टम इज़ इंटरेक्टेड विद योर नेट सिस्टम अनसक्सेसफुली। अब इसका मकसद ये है कि जिन लोगों के जो अकाउंट हैं वेरीफाई नहीं करवाया, जिन लोगों ने अकाउंट, उन पे जो है ये एरर है आ रहा है। अगर आपने अभी तक अपना जो अकाउंट है इजी पैसा या जैस कैश का उसको वेरीफाई नहीं करवाया तो वेरीफाई करवा लें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो आपके पास भी यही मैसेज आएगा और आपके अकाउंट में एक रुपया भी जो है आप कहीं से भी जमा नहीं करवा सकते, ना कहीं से मंगवा सकते। तो बेहतर ये है जो भी आपका अकाउंट हो उसको बायोमेट्रिक लाजमी तस्दीक करवाएं, क्योंकि जो इसकी लिमिट थी जो मंथ दिए गए थे वेरिफिकेशन के वो अब लिमिट ख़त्म होने वाली है। जिन जिन लोगों के वेरीफाई नहीं है अकाउंट तो उन लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, वो अब वो बाकायदगी से अपना जो अकाउंट है वेरीफाई करवा रहे हैं। अगर आपके पास भी ये एरर आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, जितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट में ठहरी होगी उतनी ही ठहरी रहेगी, लेकिन वो निकलेगी जब जब आप अपना अकाउंट जो है वेरीफाई करवा लेंगे, अंगूठा लगा लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।